हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज साउथ एशिया के साइड के कंट्रीज जो आप सब मिलके ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं, और वही याद आ रहा है कि 2019 के मार्च के टाइम जो टूर पे आए और आप सबके फिजिकली दर्शन हो पाए थे, और आज वहीं से ये रिप्रेजेंटेशन रूप में ही इतने महापुरुषों को भी सुनने का एक जो मौका मिल रहा, तो बहुत ही सुंदर सभी ने किस तरह अपनी ये बात को परमात्मा से निरंकार से जोड़ते हुए ही समझाया कि ये जीवन जीने का तरीका तभी एक सफल जीवन कहलाने के लायक एक जीवन हो सकता है जब निरंकार प्रभु परमात्मा से ही जुड़ा हुआ हो। तो दासी हर एक के लिए ही अरदास की सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जहाँ अपना और मजबूत करें विश्वास निरंकार पे, वहीं साथ साथ ये अगर हम इस धरती के लिए, जैसे अभी गीत में भी यही सुना और कविता में भी आया था कि कैसे ये जो कादर ने कुदरत बनाई है, तो ये नेचर में कैसे हर कोई चीज अपने आप को, जो पेड़ हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये पानी की हवा की, इस तरह जो भी इतना सुंदर ये प्रकृति है, और अभी कल जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो कैसे हमने सिर्फ एक आउटर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड तो जहाँ करना ही है, वहाँ अपने अंदर के एनवायरनमेंट पे भी हमें ध्यान देना है कि अंदर हमारा मन भी साफ हो, सिर्फ हमारा एक ये विजुअली जो दिखने वाली बाहर की चीजें होती हैं सिर्फ वो नहीं। तो जैसे एक अभी जापान के भी महापुरुषों से श्रवण किया तो कैसे वहां के चेरी ब्लॉसम्स बहुत मशहूर होते हैं, तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंस चेरी ब्लॉसम ट्री की तब नहीं जब एक फूल उस पे उग रहा हो, जब वो बिल्कुल प्रफुल्लित तो उस तरह से ब्लॉसम पीरियड हो, ऐसा अगर है कि सिर्फ उस टाइम के लिए ही वो इम्पोर्टेंट है तो उसके बाद तो वो पेड़ को काट दिया जाए तो फिर आगे से उस पे ना पेड़ रहेगा तो फूल ही नहीं उग सकते। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अगर पूरा सीजनल वो एक ट्री है तो उसकी इम्पोर्टेंस तब ही नहीं, पूरे साल उसकी इम्पोर्टेंस है, चाहे विजुअली उसमें कुछ समय के लिए ही वो सुंदर फूल दिखते हैं। तो ऐसे ही हमें सुमिरन को, सेवा को, इस परमात्मा को ऐसे नहीं रखना कि इसकी जरूरत तभी लाई जाए
जब हमें एक क्राइसिस हो या कुछ ऐसी बात हो, ये तो थ्रू लाइफ जब से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तभी से इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में बरकरार रहे और ध्यान इसी में रहे। तो कैसे जो ऐसे अभी हमने सुना भी कि सेवा के रूप में भी सभी महापुरुषों ने, चाहे वो सिंगापुर से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, हांगकांग से भी प्रोक्योरमेंट ऑफ वो कोरोना रिलेटेड, चाहे वो वेंटिलेटर्स थे या इत्यादि जो भी ऐसी चीजें थी, तो कैसे सभी ने अपना योगदान सेवा में दिया और धीरे धीरे ये पूरे ग्लोब से सेवा रूप में आया। तो ये जो जज्बा है सेवा का वो भी सबका ऐसे ही बढ़ता चला जाए और जीवन में सभी के एक बार बार जो आज फोकस भी कर रहे थे कि चाहे वो मेंटल इश्यूज पे कर रहे थे, चाहे वो कि नीड ऑफ द आवर क्या है, हमें वो करना है, उस तरह अपने आप को अर्पण करना है, तो ऐसे ही पूरे संसार के लिए हमने वरदान बनना है और अपने लिए ही सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड ना होते हुए किस तरह दूसरों की जिंदगी में हमारी वजह से चाहे थोड़ा सा ही पर कंफर्ट दे सकें, उस प्रयत्न में ही जुटते चले जाना है। तो दातार कृपा करे कि ये संगतें भी जिस तरह सभी अरदास कर रहे थे कि होनी चाहे इस पीरियड के अराउंड, लास्ट ईयर फिजिकली भी थी वहां पर, सिचुएशन के अनुसार वो नहीं हो पाई, तो दातार कृपा करे कि दासी फिर से आप सबके बीच फिजिकली ही संगत रूप में कर पाए और अगर निरंकार को वो जब मंजूर होगा तब तक ये इस रूप के लिए भी शुक्राना कि चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संतमति वाले सब महापुरुषों से एक जुड़ने का तो एक संभवता वो बन जाती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम आपस में इस प्रभु परमात्मा का यशोगान करें, कैसे अपनी भक्ति को और दृढ़ करें। तो दासी और समय नहीं लेना चाहती, इन शब्दों से ही आज्ञा लेकर और फिर जैसे वीकली प्रोग्राम्स जो संडे को भी फिर आपके दर्शन होंगे, तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर कोई जहां स्वस्थ भी रहे वहां मन दुरुस्त भी रहे, मन से भी एक पक्के जब तक रगे इस निरंकार पे विश्वास पूरा रखें तो फिर मॉरल्स भी डाउन नहीं होते चाहे कोई भी स्थिति हो। तो हम जहां स्थिरता की भी बात कर रहे हैं वहां उस तरह मन की स्थिरता नहीं की जैसे कोई स्टैच्यू हो, नहीं, एक जीते जागते स्थिर मन को हमने काबू करना है कि सब इमोशंस होते हुए भी किसी इमोशन को ओवरपावरिंग नहीं होने देना। तो ऐसी स्थिरता, ऐसी भक्ति हर एक के जीवन में आए। सात संगत जी, धन अंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहिए धनकार जी। आइए सात संगत सभी मिलजुल कर ध्वनि सिमरन में जुड़ते हैं। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राते गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राते गुण गावा, इक तू ही निरंकार, इक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, इक तू ही निरंकार, मैं हंसता भुलंगा, मैं हंसता भुलंगा, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अपन ना जीता, मेरे अपन ना जीता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तेरा
है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करता, सबका भला करो करता, मेरी मंग है दाता, मेरी मंग है दाता, निरंकार तू ही निरंकार, मेरा डोले नाथ बार, मेरा डोले नाथ बार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, निरंकार सतगुरु माता सुभिक्षा सविंद्र हर देव जी महाराज की जय, निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना निरंकार जी।